टीकमगढ़ में दिवाली के बाद ग्रामीणों ने बुंदेलखंड का मशहूर नृत्य मोनिया का आयोजन किया। इस दौरान सभी आयु वर्ग के लोग मौजूद रहे। बताया जा रहा है अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। दिवाली के बाद दूसरे दिन गांव से ग्रामीण डांडिया के साथ कुंडेश्वर धाम पहुंचकर शिव आराधना के बाद पूरे शहर में रंग बिरंगी वेशभूषा में मोनिया डांस का आयोजन करते हैं। इस दौरान सारे मोनिया मोहन करते हैं और अपने नृत्य को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए डांस किया था, उसी तरह बुंदेलखंड में किया जाने वाला मोनिया नृत्य है। दिवाली के बाद 3-4 दिन तक इस नृत्य का आयोजन ग्रामीण करते हैं। ग्रामीण अपने आराध्य देव की भक्ति का आह्वान नृत्य के माध्यम से करते हैं। इसमें छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक भाग लेते हैं। पुरानी परंपरा है कि जो कृष्ण भगवान ने जो रासलीला की थी, जी ये भगवान शंकर जी ने जो इस तरीके का रूप दिया था, जी जी, ये रासलीला देखने के लिए उसी हिसाब से ये स्त्री का रूप लेते हैं। जो मोनिया कहते हैं हम लोग, इसमें स्त्री का रूप भी लेते हैं और वैसे फिर तमाशा भी करते हैं। पुरानी परंपराएं पहले से चली आई है और दीपावली के दूसरे दिन हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा मनाते हैं, मुनिया कहते हैं, जी जी, और कई गाय भैंस मारे काफी कहते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।